नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। दूरसंचार तथा उपग्रह क्षेत्र की कंपनियों के बीच 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन नियमों को लेकर खुली चर्चा के दौरान मतभेद खुलकर सामने आए हैं। इस खुली चर्चा का आयोजन भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने किया था। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी साल किए जाने की संभावना है। दूरसंचार और उपग्रह आधारित सेवाएं देने वाली कंपनियों ने इस मुद्दे को लेकर भारी मतभेद के बीच नियामक ने उनसे 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए अपने अतिरिक्त विचार 15 फरवरी तक देने को कहा है। शेयर बाजार की आज मजबूत शुरुआत हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बाजार की शुरुआत हरे निशान के साथ हुई। BSE का 30 स्टॉक्स पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 354 अंकों की तेजी के साथ 58,163 के स्तर पर खुला, तो निफ्टी ने 17,370 के स्तर से आज दिन के कारोबार की शुरुआत की। टीवी के चर्चित कपल गुरमीत चौधरी और देबिना बैनर्जी के घर जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। अभिनेत्री पहली बार मां बनने वाली हैं। गुरमीत चौधरी और देबिना बैनर्जी छोटे पर्दे के स्टार कपल में से एक हैं। इन दोनों ने साल 2011 में एक दूसरे से शादी की थी। शादी के बाद देबिना बैनर्जी पहली बार मां बनने वाली हैं। इस बात की जानकारी गुरमीत चौधरी ने खुद सोशल मीडिया पर दी है। देश में पिछले 5 साल में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में कुल 655 लोगों की जान ली गई है, जिनमें सर्वाधिक 191 मामले छत्तीसगढ़ से आए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। अमेरिका में सफेद पूंछ वाले हिरन में ओमिक्रॉन का संक्रमण मिला है। वहां किसी जंगली पशु में पहली बार ये वायरस पाया गया है। स्टेटन में हिरन में वायरस मिलने से इस थ्योरी को बल मिला है कि सफेद पूंछ वाले हिरन आसानी से संक्रमित हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण जनगणना 2021 के संचालन और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने संसद में दी है। एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अब तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। भारत रत्न और स्वर को किला लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही। रविवार को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद अब लता मंगेशकर की तस्वीर को संसद में लगाने की मांग उठने लगी है। भाजपा सांसद सीमा द्विवेदी ने संसद भवन में लता मंगेशकर की तस्वीर लगाने को लेकर बुधवार को ही राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है। आगामी विधानसभा परिषद चुनाव में राजद ने कांग्रेस को तवज्जो नहीं दी। राजद से गठबंधन के लिए ललायत कांग्रेस नेताओं को जब झटका लगा तो उन्होंने अपना नया दाव खेल दिया है। दरअसल स्थानीय निकाय कोटे से बिहार विधान परिषद की कुल 24 सीटों पर चुनाव होना है। कांग्रेस राजद से इस चुनाव में लगभग 6 से 7 सीट मांग रही थी, लेकिन न तो लालू यादव और न ही तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की इस मांग को तरजीह दी, जिसके बाद अब कांग्रेस ने अकेले लड़ने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के प्राइवेटाइजेशन के मामले में देखो और इंतजार करो के मूड में है। कई कंसोर्टियम ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने के साथ ही कोई उत्साह नहीं दिखाया है, लिहाजा वित्त मंत्रालय फिलहाल इंतजार करने के मूड में है। सरकारी अधिकारियों ने 9 फरवरी को CNBC TV18 से बातचीत में ये बातें कही हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर धीरे धीरे कम हो रही है और सरकार द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधों को कम किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71,365 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में 5.5% ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 1,217 लोगों की जान भी इस वायरस के कारण गई है, जिसमें से अकेले केरल में 824 लोग शामिल है। रिटायर होने के बाद आमदनी काफी सीमित रह जाती है। बदलती जीवन शैली में रिटायरमेंट के बाद भी हमें हर महीने अच्छी खासी रकम की जरूरत होती है। ऐसे में एक बड़े रिटायरमेंट फंड की जरूरत होती है। विशेषज्ञों की माने तो व्यक्ति को अपनी नौकरी के शुरुआती दिनों में ही रिटायरमेंट के लिए सेविंग शुरू कर देनी चाहिए। हमें इससे रिटायरमेंट के समय तक एक बड़ी राशि जुटाने में मदद मिलती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF और नेशनल पेंशन स्कीम NPS निवेश के 2 बेहतरीन विकल्प है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसने कहा है कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक विदेशी गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसलिए वो उसके विचारों और रैंकिंग को नहीं मानती है। लोकसभा सांसद मनीष तिवारी के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार विभिन्न कारणों से संगठन द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत नहीं है। रीट भर्ती घोटाले को लेकर के मामला शांत भी नहीं हुआ था कि इस बीच आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में घोटाले का नया मामला उजागर हुआ है। इन आरोपों के उजागर होने के बाद बेरोजगार अभ्यर्थियों ने आज डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में काफी प्रदर्शन किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि 5 साल के भीतर उत्तर प्रदेश की सड़कों का ढांचा अमेरिका के बराबर होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे बने हैं, सिंचाई की सुविधाएं स्थापित की जा रही है, यूपी तेजी से विकसित और समृद्ध राज्य बनने की तरफ बढ़ रहा है। इसका श्रेय यूपी की भाजपा सरकार, CM और उप मुख्यमंत्रियों को जाता है।
पिछले कुछ सालों में बैंकिंग सेक्टर में बहुत तेजी से बदलाव आए हैं। ऐसे में एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। कोरोना महामारी के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग और पेमेंट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में हर कोई ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद कर रहा है। आजकल लोग इन कार्डों का इस्तेमाल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट आदि चीजों के लिए खूब कर रहे हैं। सरकार ने देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की है। उन्हीं में से एक है ई श्रम योजना। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद कामगारों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बड़ी संख्या में शहरों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों ने गांव की तरफ पलायन भी शुरू कर दिया। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने ई श्रम योजना की शुरुआत की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में ई श्रम पोर्टल में करीब 24 करोड़ मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। बरनाला जिले के विधानसभा क्षेत्र भदौड़ा के गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का जिले के गांव कोटदुना में भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने भारी विरोध किया। गांव के किसानों द्वारा खराब हुई नरम हुई फसल का मुआवजा न देने के विरोध में और बेरोजगारी एवं अन्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री चन्नी का विरोध देखने को मिला। क्रिप्टो बाजार बेहद अनियमित और जोखिम भरा है। बीते साल नवंबर से डिजिटल करेंसी के दामों में आ रही गिरावट को इतने साफ कर दिया है कि पल में आसमान की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद एक झटके में यह निवेशकों को कंगाल बना देती है। बुधवार की ही बात करें तो दुनिया की सबसे पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी ने एक बार फिर से निवेशकों को तगड़ा झटका दिया है। इसका दाम 24 घंटे के भीतर 3% टूट गया। देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी MVA सरकार को सख्त लहजे में दो टूक कहा है कि महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार की नई शराब नीति उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अन्ना हजारे ने इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की घोषणा की है। अन्ना ने कहा है कि वो सुपरमार्केट और वॉक इन स्टोर के जरिए शराब बेचने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ 14 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि दिल्ली जल बोर्ड DJB के 700 संविदा कर्मचारियों की नौकरी को स्थायी कर दिया गया है और इस फैसले की गूंज देश के अन्य हिस्सों में भी सुनाई देगी। स्थायी बन गए DJB कर्मियों को प्रमाण पत्र देने के लिए यहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल ने कहा कि ये एक मिथक है कि कच्चे यानी कि संविदा कर्मी को पक्का स्थायी नहीं बनाया जाना चाहिए। थल सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने बुधवार को सऊदी अरब के शीर्ष सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतायर के वार्ता की है और इस दौरान द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। सेना की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि दोनों के बीच वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। वायरस के केस भारत में कमने लगे हैं। सरकार द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधों को कम किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71,365 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में 5.5% ज्यादा है। लेकिन WHO ने कोरोना को लेकर चेतावनी जरूर दी है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना का आखिरी वेरियंट नहीं है, आगे आने वाले वेरियंट और घातक हो सकते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सेबी अधिकारी ग्रेड ए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने अधिकारी ग्रेड ए सहायक प्रबंधक पदों के लिए आवेदन किया है वो सेबी की आधिकारिक वेबसाइट sebi.gov.in के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। IPO आने से पहले भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की चुकता पूंजी 31 दिसंबर 2021 तक 6,324.99 करोड़ रुपए हो गई है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने इसकी जानकारी दी। राज्यसभा में कराड ने कहा है कि केंद्र सरकार ने LIC द्वारा किए गए एक आवेदन पर अपनी चुकता पूंजी बढ़ाने के लिए अपने मुक्त भंडार के उपयोग की अनुमति दी। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। वायरस का प्रकोप अपने चरम पर है। दैनिक मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नए मामलों में हो रही वृद्धि की संख्या अब एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने कोरिया रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी KDCA के हवाले से बताया कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 49,567 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 11,31,239 हो गई है। आज भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच के लिए एक दिलचस्प परिवर्तन किया। उन्होंने विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत को ओपनिंग का मौका दिया है। पंत पिछले मैच में नंबर 4 पर बैटिंग करने आए थे। रिकॉर्ड्स पर नजर डाले तो पंत ओपनिंग के दौरान ज्यादा अच्छी बैटिंग करते हैं। वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भी भारत की प्लेइंग 11 में KL राहुल की वापसी हुई है। पिछले मैच में रोहित के साथ ईशान किशन ओपनिंग करने आए थे। अगले महीने होली का त्यौहार है, उससे पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, जहां 700 संविदा कर्मियों को स्थायी कर दिया गया। एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संविदा कर्मियों को स्थायी सेवाओं का प्रमाण पत्र सौंपा है, जिसके बाद ही उनमें खुशी की लहर है। साथ ही संविदा कर्मियों के परिजनों ने भी सरकार को धन्यवाद कहा है।
खबर लहरिया को बुंदेलखंड में सिर्फ महिला पत्रकार की एक टीम चलाती है। इन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है। राइटिंग विद फायर नाम की इस डॉक्यूमेंट्री को रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष ने बनाया है। इसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के ऑस्कर पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया। फिल्म में खबर है कि लहरिया की टीम के अखबार से डिजिटल मीडिया बनने के सफर को इसमें दिखाया गया है। कर्नाटक सरकार सरकारी स्कूल में न तो हिजाब के पक्ष में है और न ही केसरिया के। प्रदेश के राजस्व मंत्री अशोक ने कहा है कि छात्र सड़कों पर जो चाहे पहन सकते हैं, लेकिन स्कूल में ड्रेस कोड अनिवार्य है। हमने छात्रों की सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं। इस राजनीति के पीछे कांग्रेस है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के निर्देश पर प्रदेश में 3 दिनों के लिए हाई स्कूल और कॉलेज बंद कर दिया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हो रही है, इससे मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। लोगों को फिर से ठंड के मौसम का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज कई इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली के नरेला, बवाना, हरियाणा के सोनीपत, खरखौदा, गुरुग्राम, जिंद, हिसार, सिवानी, गन्नौर, रोहतक, झज्जर, यूपी के बड़ौत, दरौला, बागपत, मेरठ, राजस्थान के पिलानी, भिवाड़ी, तिजारा, खैरथल, कोटपुतली और आसपास के क्षेत्र में आज मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अमृता प्रीतम, बलराम कुमार, कुश कुमार यादव, मनीषा कुमारी, रघुनाथ प्रसाद, परवेज आलम, जितेंद्र ठाकुर, नीरज कुमार, जीनत परवीन, कमलेश कुमार, महेश कुमार, अकलेश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहन के जाना सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।